यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब खबर फिरोजाबाद से है, वहां पर 8 साल की नाबालिग से दुष्कर्म और फिर हत्या के दोषी को कोर्ट ने सजाए मौत दी है। 1 साल पुराने मामले में कठोर फैसला सुनाए जाने के बाद कोर्ट में सन्नाटा छा गया। फिरोजाबाद में पॉक्सो एक्ट में पहली बार मौत की सजा सुनाई गई। 25 साल के दोषी का नाम शिवशंकर उर्फ बंटू है, जो सिरसागंज के गांव चंद्रपुरा का रहने वाला है। 17 मार्च 2019 को जब गांव में ही एक कार्यक्रम में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी, उसके बाद कोर्ट का यह फैसला आया है। डॉक्टर प्रदीप कुमार जी ने यह साबित किया कि इसकी मृत्यु गला दबाकर हुई है। डॉक्टर साधना राठौर ने यह साबित किया कि इसके साथ बलात्कार की घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसमें पत्रावली का संपूर्ण प्रशीलन करने के बाद और केस के सही तथ्यों की पत्रावली से सही अवगत होने के बाद माननीय न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट श्री मृदुल दुबे जी द्वारा निर्णय मृत्युदंड का सुनाया गया, जो कि बहुत ही सराहनीय और अच्छा रहा। 25 साल के दोषी का नाम शिवशंकर उर्फ बंटू है, जो सिरसागंज के गांव चंद्रपुरा का रहने वाला है। 17 मार्च 2019 को जब गांव में ही एक कार्यक्रम में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी, उसके बाद कोर्ट का यह फैसला आया है। डॉक्टर प्रदीप कुमार जी ने यह साबित किया कि इसकी मृत्यु गला दबाकर हुई है। डॉक्टर साधना राठौर ने यह साबित किया कि इसके साथ बलात्कार की घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसमें पत्रावली का संपूर्ण प्रशीलन करने के बाद और केस के सही तथ्यों की पत्रावली से सही अवगत होने के बाद माननीय न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट श्री मृदुल दुबे जी द्वारा निर्णय मृत्युदंड का सुनाया गया, जो कि बहुत ही सराहनीय और अच्छा रहा।